जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप? आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप क्वेश्चन जो आता है ना उसे आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हो। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी। जैसे देखो, दी गई आकृति में कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको एक जैसे इसी प्रकार का एक फिगर काउंट करने को देगा वो, और उसमें ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई ना पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसमें आपको करना ये है। पहले जैसे आपको ये मंजिल काउंट करना है, कितना मंजिल है ये आपका एक मंजिल है, ये दो मंजिल, ये तीन मंजिल, ये चार मंजिल। जो मंजिल है ठीक उसी एक मंजिल को उसी से दर्शाएंगे। जैसे यहाँ एक है तो इसे एक से, यहाँ पर दो है तो इसे दो से दर्शा देंगे, और यहाँ पर अगर आपका तीन है ना तो यहाँ तीन से, और यहाँ चार है तो उसे चार से। अब काउंट ये करना है कि कौन सी मंजिल पर कितने डिब्बे हैं। जैसे यहाँ पर वन है ना तो एक से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर कितने हैं, दो, एक दो, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितने, यहाँ तीन, तो यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ कितने हैं, चार, यहाँ चार से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन सबको ऐड कर लो, ऐड करना है ना, तो ये कितना वो बनाएगा, चार, और ये छः बनाएगा, और ये भी छः बनाएगा, और ये कितनी बनाएगा, चार। अब इसे काउंट करो कितना हो जाएगा, छः चार 10, छः 16, चार 20, ये आपका 20 हो गया। यानी कि टोटल स्क्वायर है वो आपका 20 निकल आया। इसे लिखेंगे तो अभी हमने ज्ञात किया है कि टोटल स्क्वायर हमारे 20 थे, वो यहाँ पर लिख देंगे। कुल घन आ गई हमारी। अब पूछ रहा है इसमें ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे दिखाई लिखा था, सॉरी यहाँ दिखा लिख गया है, तो ये दिखाई कितने पड़ रहे हैं उसे काउंट करके देखो। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके 100 कितने हो रहे हैं, 10। अब कह रहा है ऐसे कितने घन हैं जो छिपे हुए हैं। देखो आपको दिखाई देने वाले पता है और टोटल पता है, तो इसमें से क्या करेंगे, जो छिपे हुए हैं तो टोटल में से दिखाई देने वाले घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद और जय हिंद।